सुहागनों का ये महापर्व तीज, हरतालिका तीज, जिसके लिए महिलाएं पूरे वर्ष इंतज़ार करती हैं, अपने पतियों के लिए दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। कैसा लग रहा है आपको, आप अपने पति के लिए व्रत रखी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और भूख प्यास एकदम नहीं लग रहा है, क्योंकि मेकअप और ड्रेसअप के आगे सब फेल है। देखा दर्शकों आपने कि इतने जोश, अभी भी 24 घंटा हो गया है इन्हें व्रत रखे हुए, बट अभी भी इनमें बहुत जोश है। आपने पहली बार अपने पति के लिए व्रत रखा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत जोर से प्यास लग रहा है बहुत जोर से लग रहा है, क्योंकि पति बोल रहे पानी नहीं पीना है, टेंशन बहुत हो रहा है। क्या आपने भी अपनी पत्नी के लिए दीर्घायु के लिए व्रत रखा है? मैंने अभी जैसे कुछ देर पहले बताया था आप लोगों को, मैं साल में लगभग 30 उपवास करता हूँ। 2 महीने में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों आते हैं, एकादशी वो तो करता ही हूँ, उसके अलावा जैसे जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है मैं उपवास करता हूँ, इनमें हमेशा से इनका नाम लेता रहा। वो उपवास में सिर्फ अपने लिए किया जाता है, पत्नी के लिए नहीं किया जाता है, पति के लिए किया जाता है, ये सब हम किए आपके लिए। तो आपने अपने पत्नी के लिए पहले तीज में क्या दिया? मैंने इनका साथ दिया है भरपूर सुबह से, और इससे ज़्यादा अपना पूरा कीमती समय सुबह से लेकर शाम तक अभी तक इनके साथ ही हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे जब तक हम लोग का विकेट किसी का डाउन नहीं होता, हम लोग साथ में ही रहेंगे। आपको, आपने कुछ मांगा नहीं अपने पति से, आपका पहला तीज था, आपको कुछ सरप्राइज चाहिए होगा, कुछ ऐसा कुछ? जानते थे मिलने वाला है, नहीं तो मांगे क्या करेंगे। अब देखिए ऐसा, हम लोगों ने स्कूल में जब पढ़ते थे तो ऐसा हमने पढ़ा था कि अगर किसी को दे सकते हैं कुछ तो अपना समय दीजिए, क्योंकि वो चीज़ जो है आपने जो दिया है वो आपको जीवन में वापस मिलने वाला नहीं, तो इससे बड़ा बहुमूल्य कुछ भी मैं दे नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने अपना समय दिया है, ये इनका लॉजिक है, ये समय देना चाहते दे, लेकिन हम लोग को जो चाहिए वो मांगेंगे, मिलना चाहिए। बिल्कुल निसंदेह, कल सुबह देखिए जैसे कि आज हमने खाना बनाया इनके बिहाफ में, कल भी सुबह इनके लिए पारण का जो भी होता है वो बनाएंगे। ठीक है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको यही चाहिए। कैसा लग रहा है मैम आपको, आपको क्या भूख प्यास कुछ लगी है? अच्छा, भूख प्यास नहीं लगा है। आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट दिया तीज के लिए? कुछ भी नहीं। क्या आपके हस्बैंड ने आपका सहयोग किया आज के दिन? आज उन्होंने सहयोग तो किया, पर फॉर्चुनेटली उनका ड्यूटी लगे तो उनके चलते उनका मूड ऑफ हो गया। अच्छा। बोले क्या तुमको हेल्प नहीं कर पाएंगे हम। क्यों भी लग रही हैं, आप क्या करती हैं? मैं एक टीचर हूँ। हाँ। इसी कारण मैं कुछ ज़्यादा थक गई हूँ, पूरे दिन स्कूल में काम की, उसके बाद अब प्यास लग रही है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि सुबह तक पानी न पीऊँ। मैडम आपका इतना इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है, इतना आप सुबह स्कूल भी गई फिर सारा काम भी किया? स्कूल जाना तो मेरी ड्यूटी है, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, और उसके बाद तीज भी करना, मैं मुझे अपने हस्बैंड के लिए तीज करना बहुत, हर साल मैं करती हूँ, और अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए मैं उनकी कामना, भगवान से कामना करती हूँ कि लंबी आयु, इसलिए मुझे तीज भी करना जरूरी था और स्कूल जाना भी, दोनों। मैडम आप इतना अपने पति के लिए करते, आपके पति ने आपको क्या दिया? अभी तो मेरे पति दूर गए हुए हैं, आएंगे तो ज़रूर मुझे देंगे। तो देखा आपने दर्शकों, एक महिला अपने पति के लंबी आयु के लिए इतना सब कुछ करती हैं। नवरादि मंडल देवताभ्यम आवाहितम देवी देवताभ्यम दुर्वा घासराजम कांडा कंडा त्रहोरंदी बृहस्पति वान चगुरुवासवान समर्पयामि दुर्वा कुरान समर्पयामि श्री गणेश संविदा ध्यानार्थम पुष्पाणि समर्पयामि जल गिरा दीजिए ओम जलम संगम नतुम कर। आस पास में तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। हेलो।